हेलो दोस्तों, दिस इज बेटा फॉर्म एनसीआर मॉडल। आज के जो वीडियो है भाई, सुपर मीटर का लगा रहे हैं इंटरसेप्टर के अंदर हम कॉम्बिनेशन स्विच ये वाले और साथ साथ लीवर्स। बहुत लोगों की डिमांड आई जब मैंने इससे पहले डाले, जिसमें हमने मतलब हंटर वारा के इंटरसेप्टर में मैंने लगाए थे न्यू मॉडल के, मतलब रिबॉन वाले स्विच लगाए थे। उसके बाद कई लोगों ने डिमांड किया भाई, उसके कुछ ही महीने बाद सुपर मीटर लॉन्च हो गए, जिसके अंदर ये जो हमने प्लास्टिक के लगाए थे उसमें आ गए एल्युमिनियम के, मेटल के, सिल्वर कलर के, जो कि लुक भाई मतलब बेहतरीन है, एक नंबर क्वालिटी उसकी। इसके अंदर हम पहली बार फिट कर रहे हैं वो इंटरसेप्टर के अंदर, कैसे फिट करना है वो दिखा रहा हूँ। मेरे पास आगे मैं आपको पार्ट नंबर ही बता देता हूँ। जैसे ये राइट साइड का है, इस पे MRP है 1750, पार्ट नंबर ये RAL00154/E, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड का है 2750 रुपये का, जिसका पार्ट नंबर है RAL00156/F। और ये इसके ग्रिप भी अलग है, क्योंकि इसके अंदर डबल एक्सीलेटर की वायर लगेगी, तो ये वाला नहीं लगेगा। उसमें बताया था ना मैंने, डबल की वायर सिंगल करनी पड़ती है, तो क्लाइंट ने बोला कि डबल वायर लग जाएगी। अब डबल वायर कैसे लगेगी वही मैं बता बताऊंगा, पहले आप खोल के इसकी भाई क्वालिटी का मैं फ़ैन हो गया भाई, ये बहुत प्यारे हैं। फिर फिनिशिंग हट वचो लगने वाले हैं बिल्कुल। इसके अंदर कुछ हमें एक एक्सपेरिमेंट और करना पड़ेगा, वो बताऊंगा बाद में। तो खाली हो जाओ शुरू, इसका मास्टर सिलेंडर खोलते हैं, लेफ्ट साइड से ये सब करते हैं, ठीक है। तो शीशे तो हमारे ऐसे निकल जाएंगे। याद है कुछ वीडियो पहले बोला था मैंने, जब एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट करेंगे सेंटर को टायर लगाएंगे, वो देखो लग गया, जल्दी वीडियो आने वाली है, पता ना क्या करना है। वो देखो वो लगा गाड़ी का टायर कैसे लगाया, डिटेल वीडियो चला भी चुका हूँ भाई, उसे मज़ा आएगा देख के उस वीडियो को। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि इंटरसेप्टर में जब हम लगाएंगे तो क्लच स्विच के लिए वायर काटनी पड़ेगी। क्लासिक इलेक्ट्रा में मतलब जो है उसके अंदर तीन तार वाला आता है, थंडरबर्ड में तीन तार का प्लग आता है क्लच स्विच का, बट इंटरसेप्टर में दो ही वायर का आता है, डायरेक्ट लग जाएगा। जो इसके अंदर फैक्ट्री कंडीशन लगा हुआ है ना ये वाला सेम, तो क्लच स्विच के लिए इसके साथ कोई छेड़खानी करनी पड़ती। और अगर आप उसमें लगाते हो थंडरबर्ड वगैरह में क्लासिक में ये सिस्टम, तो उसके लिए थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ता है, डायोड लगा के बनाना पड़ता है, जब भी लग पाता है, वरना क्लच स्विच काम नहीं करता। बाकी जब भी अगर ब्रेक मास्टर सिलेंडर चेंज करना है ना, प्रेशर बनाने की नहीं पड़ती, ऊपर ऊपर से खोलो, ऊपर ऊपर से लगाओ। खाली पूरी वाशर निकल के दो उसकी लाओ। ऐसे इसमें ऑयल डल जाएगा ऊपर से और प्रेशर बन जाएगा, एयर नहीं आएगी। अब इसके नाप के ना ड्रिल कर लेते हैं, क्योंकि इसके जो होल हैं वो अलग हैं। अगर आप इसमें डाल दोगे सुपर मीटियोर का या उसका हैंडल मीटियोर वाला, तो ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए थोड़ा सा हिसाब लगाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ रखना है, उसके हिसाब से। ड्रिल हो गए हैं, अब लगाते हैं इसको। लगाने में बढ़िया लुक आ रहा है इसका, ब्लैक एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे दो प्रॉब्लम फेस हो रही हैं, जो कि अभी हिसाब लगाया है। एक ये कि इस साइड का, क्योंकि डबल वायर सुपर मीटियोर में और नॉर्मल मीटियोर में, और उसमें तो सिंगल वायर, डबल वायर का अगर मुट्ठा ले रहे हैं तो यहाँ पे तो सही आ रहा है, बट यहाँ पे भी ये रेस डबल रेस बन गई है, क्योंकि सुपर मीटियोर के अंदर जो है यहाँ पे बोल्ट है इसको टाइट करने के लिए। ये ऐसा देखो पास से आओ, ये पूरा रबड़ है, बट यहाँ पे प्लास्टिक का पार्ट है जो कि ये हैंडल पे जाके टाइट होता है। तो ऐसा इसमें अंदर कुछ है नहीं, बट इसका करेंगे कुछ ना कुछ करते हैं। तो एक काम करते हैं कि हम इस साइड ये रहने देते हैं और इस साइड हम नॉर्मल मीटियोर वाला लगा देंगे, डबल वायर तो उसमें आती है, यहाँ पे लगा देते हैं नॉर्मल मीटियोर वाला, ठीक है। लाओ खली वाला दो, इस तरह का ये डिज़ाइन में सेम है, बस इस पे रॉयल एनफील्ड प्रिंट नहीं है। यस, लुक काफ़ी अच्छी आ रही है। अब हमारे साथ पता है दिक्कत क्या आने वाली है, एक्सीलेटर वायर में ज़्यादा दिक्कत। दिखेगा तो कर दिया, मगर एक्सीलेटर वायर का क्या करें, दिखाता हूँ अभी क्या। खाली इसका पुराना स्विच दिखाना यार। देखो दो वायर होती हैं, पास आ जाओ, आप पास आके देखो यार, इतनी दूर क्यों बैठे हुए हो, आराम से आओ, पास आओ और पास आओ। एक वायर ए वाली तो लग जाएगी, बेसिकली हम ए और बी करेंगे, ए करेंगे खींचने वाली, बी करेंगे रिटर्न वाली, ठीक ना। ए वाली हमारी आगे लग गई और बी वाली
इसमें लग नहीं सकती क्योंकि इसमें थ्रेड नहीं है, और ये ऐसे लगा नहीं सकते क्योंकि ये जाएगा नहीं। तो या तो हम नट काट के फिर दो तीन, क्योंकि इसमें जो लगता है ना पुराने वाले स्विच में प्लास्टिक वाले में चूड़ियाँ होती हैं, समथिंग लाइक दैट। सिंगल ये वाला इस पर टाइट हो जाता है। दोस्तों शर्मा मत, पास आके देखो, और ये इसमें नट लग जाता है, बट प्लास्टिक वाले में ऐसा कर नहीं सकते, एल्युमिनियम वाले में सॉरी। तो उसके अंदर जो तार है वो सेम दोनों ऐसी की ऐसी हैं, ए वाली। अब एक काम करते हैं, क्यों ना इसके अंदर जुगाड़ कुछ करा जाए। ए ए ए ए ए आ गया आइडिया, क्यों ना ए वाली ही ए आगे लगा, मतलब पीछे लगा दी जाए, समझ रहे हो भावनाओं को। हमारी ए वाली है, वायर छोटी ना पड़े क्योंकि इसका सर्कल इधर आ रहा है, उसका सर्कल उल्टा आ रहा है। ट्राई करने में क्या जा रहा है, बी वाली तार निकालते हैं इसकी। आओ ये निकालो, ट्राई करते हैं खाली। देखो जैसे अभी ये वाली निकालते हैं, अब मैं इसके नए वायर लेके आता हूँ, जैसे है ना ए और बी। हम इसकी बी, उसकी बी निकाल दी, इसकी भी बी निकाल देते हैं, खाली ए लगाते हैं, दोनों की ए, मतलब ए वो ही रहेगी। इसको पकड़ो यहाँ पे, ठीक है, हाँ आ जाएगी, क्योंकि वायर मोस्ट प्रॉब्ली आ जाएगी, लगा के देख लेते हैं ना। अभी ये टेस्ट चल रहा है, फेल भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है वायर छोटी पड़ जाए। ऑयल को पीते, खाली ऑयल लगाना इस पर, ठीक है ना, फेल भी हो सकता है, कोई उसकी बात नहीं है। तो हम अभी श्योर नहीं हो, कहीं आप सोचो कि लगा दो, रम्मी भाई ने बोल दिया लगाओ, तार लगाओ, ले आओ, पहले देखने दो कामयाब हो भी रहा है या नहीं हो रहा, होगा तो बता दूंगा। अभी आ गई भाई, आ गई आ गई आ गई, बढ़िया आ गई। थोड़ी दिक्कत हुई लगवा सर, अभी तो थोड़ी दिक्कत हुई लगाने में, मगर आ गई। तो ए ए ए बन गई बी, मतलब शुद्ध देसी भाषा को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलू ना, ए ने अपना जेंडर चेंज करके बी में आ गई है वो। बढ़िया काम कर रही डबल वायर। इसकी वायरिंग, वायर की फिटिंग कर लेते हैं इसकी। हाँ खाली ज़्यादा ये लॉक लगते हैं, वहाँ वहाँ लॉक लगाओ, इतने मैं वायरिंग का काम निपटा रहा हूँ, ठीक है। इतने ब्रेक वगैरह बन रहे, एक मैं आपको यहाँ पे एक अपडेट दे दूँ। जैसे जो हमने स्विच को लगाने के लिए सॉकेट बना रखा था, ठीक है ना, ये वाला सॉकेट है, तो यहाँ आपको बता दूँ कि ये वाला सॉकेट हमारे राइट साइड में तो लग जाएगा, बट लेफ्ट साइड का जो सॉकेट है वो ये वाला है, ठीक। और जो मैंने इसका नए वाले का बनाया था तो वो इससे मैच नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना है, तो थोड़ा इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये इजीली कपलर मिलने वाला नहीं है, इसका दूसरा वाला साइड का कपलर तो। और आपको पता है आपको भाई प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम बनाता है, तो मैंने सोच रहा हूँ कि इसका कुछ ना कुछ अलग सोचते हैं हम कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दो वायर कम भी हैं, तो कुछ सोचते हैं। इसको इतने ब्रेक बना, कल मिलते हैं, कल करते हैं इस काम को आराम से, ठीक है ना, तो सीधा कल ही देखते हैं क्या करना है। सो आ गया मैंने आज का अगला दिन, और मैंने ना बहुत दिमाग लगाया, बहुत चीज़ सोची कि हम इसको कट करके हीट सिंक से उसके बाद लगा सकते हैं, कि आगे सॉकेट हम अपना बना के लगा सकते हैं। बट उसके बाद मैंने बहुत सी चीज़ अच्छी सोची, क्या है उसके लिए मुझे स्विच खोलना पड़ेगा, शायद चारों का पेच कर दो और हम पुराने स्विच देखते हैं, क्योंकि जब फंक्शन वही है, खाली बॉडी चेंज हुई है, हो सकता है इसकी वायरिंग निकल के, जो हमारा पुराना है, 900 रुपये तो लगेंगे, बट काम ये वाला हो सकता है, क्योंकि इसका ओरिजिनल कपड़ा मिल नहीं रहा है। बेसिकली इसके अंदर शायद खोलो, ये वाला खोलो, ये वाला जो प्लग है 8 तार का, इसमें है 4 4 8 9 10, इसमें 10 वायर, 2 वायर सेम फंक्शन में, क्या चीज़ कम हुई है वो भी देखना है मुझे, तो देखते हैं। आई बटन की तो खैर सेम ही है ऑलमोस्ट, बाकी 2 वायर कहाँ कहाँ से कम हुई है, और मोस्ट प्रॉब्ली इसकी बॉडी में इसका अगर सिस्टम फिट हो जाएगा, मतलब वायरिंग कपलों का, तो वो भी बेस्ट रहेगा। ये अंदर से कुछ कुछ इस तरीके का, भाई बहुत भारी है, मतलब जैसे मैंने बताया, और ये वाला खोल के और देखते हैं इसकी फिटिंग सेम है या नहीं, अगर सेम नहीं है तो दिक्कत आएगी थोड़ी सी हमें, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं आनी। ओके से लगभग ऑलमोस्ट सेम है, 1 2 फिटिंग यहाँ की भी सेम है। तो एक काम करते हैं ना, अभी क्योंकि टाइम की भी शॉर्टेज है, क्लाइंट कह रहे हैं कि भाई इसको जल्दी, उनको राइड पे निकलना है, तो एक चीज़ दिमाग में आ रही है, हम इसका वायर तो मेरे पास आ जाएगी, तो जब तक इसका प्लग का बाद में देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, पर जब तक फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसके स्विच का सारा ताम झाम इसमें लगा देते हैं, ठीक है। पेच फिटिंग सेम है तो सारा ताम झाम इसमें लग जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से फिट हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको खोल के इतनी देर में इसको करता हूँ इसमें, और ये बॉडी हो जाएगी कंकाल हमारा खाली। सो ये वाला तो पैक हो गया, और मैंने जब इसको खोला तब पता चला इसके अंदर जो हाई बीम लो बीम है बेसिकली जितने पुराने स्विच है उसमें एक पत्ती से कनेक्ट होता है, तो बट इसमें ऐसा नहीं है, इसके अंदर ज़रूर एक मॉड्यूल लगा हुआ है, मतलब सुपर मीटियोर में जो है एक मॉड्यूल है जो सेंस कर रहा है एक तरीके से, आप इसको सेंसर नहीं कहेंगे, है बटन बट वो क्लिक वाले बटन है जो बहुत हल्के होते हैं अंदर, मतलब वो उसका डिटेल वीडियो कभी बाद में बनाएंगे। फिलहाल ये वाला स्विच हो गया रेडी, फिटिंग अंदर की बिल्कुल सेट थी तो। और हाँ, इससे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, इस वाले सॉकेट को बना के कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका स्विच का फंक्शन ही अलग है। तो एट दी एंड हमें अगर ये वाले स्विच लगाने हैं तो इसके लिए हमें साथ में 900 रुपये का ओल्ड वाला ब्लैक प्लास्टिक वाला लेना पड़ेगा, उसकी किट इसमें डालनी पड़ेगी, ठीक है। बिना देरी करे शायद इसको फिट करो, देन यहाँ पे देखो ये वाले कपड़ा लगा ना पुराने वाले, ठीक है ये लगाओ और मैं इतने इसको पैक करता हूँ। अब लग गया है स्विच, इसको वही हमारा कपड़ा लग जाएगा, ये हमारा आ गया वाइट वाला, वाइट में ब्लैक वाला ब्लैक, ये इसमें क्योंकि हजार सिस्टम लगा हुआ है ना वर्जन 6 तो आई बटन से पैटर्न भी चेंज हो जाएंगे। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि यार ये लगा दे तो हजार लग जाएगा, भाई जब तक उसकी डिवाइस नहीं लगेगी तो कैसे लग जाएगा, बटन यूज़ में आ जाएगा बस, ये है। ये हो गई हमारी वाली प्लग एंड प्ले वाली, ये सही काम कर रहा है, पासिंग सही काम कर रहा है। बाकी इन्होंने एक चीज़ और बोली है, जैसे हमने क्या कर रखा इससे यहाँ से हेडलाइट ऑन ऑफ करिए, तो इन्होंने मुझसे बोला था कि भाई इसमें हेडलाइट ऑन ऑफ नहीं करनी, इससे मुझे ये वाले हेडलाइट ये चाहिए, हेडलाइट का मैंने लगा रखा है ऐसा कुछ है सिस्टम, तो इसके कनेक्शन करके फिट करके फिर आपको फाइनल दिखाता हूँ, ठीक है ना। सो फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें थोड़े कनेक्शन चेंज करवाए, जैसे कि यहाँ से तुम्हारा 1000 एक्टिवेट होता है आई बटन से, ठीक, तो इसको पहले ऑफ कर देते हैं। अब भी बता रहा हूँ इसके लिए डिवाइस अलग से लगती है, कई लोग सोचते हैं कि इससे लगिए लगाते हैं 1000 काम करेगा, इसके लिए डिवाइस अलग से लगती है सिमटेक वाली, ठीक। इससे जो है जो हमारा राइट से इन्होंने फॉग लाइट कर दी है ये वाली, ठीक है यहाँ से, और हेडलाइट का हमारा अलग से है, ये चला DRL, देन लाइट हाई बीम लो बीम, ठीक, यहाँ से इंडिकेटर भी आ गया, बहुत बढ़िया, मतलब लुक बहुत अच्छी आ रही है इसकी। ब्रेक व्रेक सब हमारे आ चुके हैं, क्लच बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, एक्सीलेटर वायर का जो हमने जुगाड़ करा है वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, इसको थोड़ी सी बाहर से, मतलब ऑलरेडी पहले भी बाहर से ही थी तो ऐसी रहेगी क्योंकि इसमें राइजर लगा रखे हैं, अगर राइजर नहीं होते तो वायर अंदर से आ जाती। बाकी बढ़िया है, कुछ इसमें नया हमने दो चीज़ करी, एक तो एक्सीलेटर वायर का जुगाड़ करा और लेफ्ट साइड का स्विच का पता है आपको क्या करना है कि हमने एक स्विच और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो मोटा खर्चा है खाली लुक के लिए, बट ये स्विच जो है भाई क्वालिटी एक नंबर क्वालिटी, एल्युमिनियम के हैं, बहुत प्यारे, मतलब हड्डो बच्चों बनाए। होपफुली आपको पसंद आएगी वीडियो, ये वही चल रही है भाई डेली चैलेंज वाली, 30 दिन 30 वीडियो वाली, उन्हीं में से एक वीडियो है, थोड़ा सा आगे पीछे होगा इसका टाइम का, ये नहीं कह रहा मैं कल ही डालूंगा, आगे पीछे डालेंगे क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है, हारने वाले को इंटरनेशनल लाइट स्पॉन्सर्ड करनी पड़ेगी, अदरवाइज के साथ चल रहा है ये आपको पता ही होगा इससे पहले वाली वीडियो में, तो 30 दिन लगातार वीडियो आने वाली है। अगर कमेंट करके जो बताओ आइडिया, क्योंकि आपके भाई को ना आइडिया चाहिए बहुत सारे छोटे छोटे आइडिया दो कि क्या देखना चाहते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, इंतजार करें वीडियो से, उसका मिलते हैं बहुत नई वीडियोस के साथ, बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। खाली इसमें ऑयल डाल के दो नई वायर में, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, नहीं ये राइट था ये लेफ्ट था, तुम तो जाओ बेटा तुम्हारा कुछ काम नहीं है अभी। सेल्फ सेल्फ के कनेक्शन, क्लच स्विच का भी कनेक्शन नहीं हुआ हुआ है, क्लच स्विच की वायर लगा दें, मतलब है वो बी की, ए की है, ए की ऐसे जाके बी की वाला राम 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 ऐसे हो जाता है कुछ ना कुछ, भावनाओं को समझो। अब एक सब लगा रहे हैं इसमें मास्टर सिलेंडर के साथ, तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ गिरा है भाई कुछ गिरा है, वो गिरे हैं हैंडल वेट, मैं उठा लूँगा अभी, तुम कहाँ से चल गई, अच्छा यहाँ से, ये हजार्ड बंद, बंद नहीं हुआ अभी, अब हुआ है बंद, अरे अभी नहीं हुआ, वो फ्लैश ये हिस्सा कर देगा,